मसालेदार फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए 5 आलू लेकर के मीडियम साइज़ के उन्हें छील कर धो लिया है अच्छे से, और 2 चम्मच अरारोट है, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें लाल रंग। आलू को काटने के लिए मैंने ऐसे कटर का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हमको आलू ऐसे रखना है ऐसे, और इसको दबा करके देख इस तरह से हमारे आलू इसके नीचे से निकलेंगे। सभी आलू को कटर से काट लिया है और सभी इक्वल पीस में निकले हैं। अभी हम इसे डोंगे में डाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा लाल रंग मिला रही हूँ। लाल रंग ऑप्शनल में है, अगर आप चाहें तो मिलाएं और ना चाहें तो मत मिलाएं। और अब कटे हुए जो आलू हैं मैं उसमें ये डाल देती हूँ, साथ ही अरारोट भी डालते हैं। 2 चम्मच अरारोट है, और इसे अच्छे से चम्मच से ही मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके थोड़ी सी देर इसको छोड़ देते हैं। आप इसमें अगर आपको लगता है कि अरारोट थोड़ा है तो आप इसमें 1/8 चम्मच और भी मिला सकते हैं। आलू में अरारोट व कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा लहसुन लिया है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 कटा हुआ टमाटर है, और 2 चम्मच लाल मिर्च है। सभी चीज़ों को मिक्सी में डाल करके पीस लेते हैं। जो हमारे आलू हैं अब हम तेल में डाल देते हैं, आराम से डालिएगा। गैस हल्की रखेंगे, इसको नहीं हाथ लगाएंगे। सभी आलूओं को सॉफ्ट ही एक बार डीप फ्राई करके निकाल लिया है। 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद इसे दोबारा से डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक बार फिर से सभी आलूओं को कढ़ाई में डाला है, और थोड़ी सी देर इनसे मैं थोड़ा सा रेड कलर होने तक इसको फ्राई करती हूँ। फ्राई करे हुए आलू का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। अब हम इन्हें अच्छे से तेल को निचोड़ करके निकाल लेते हैं। आलू इस समय बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे 2 तरह से। सर्व करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर पहले चाट मसाला डालेंगे, और साथ ही जो हमारी प्याज के पीस हैं वो रखेंगे। और इस पर भी हल्का सा चाट मसाला डालेंगे। ये चाट मसाला मैंने घर पर ही तैयार करा है, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। दूसरे तरीके से अगर हम खाना चाहें तो इस पर हम वाइट मेयोनीज भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें हम चटनी भी डालेंगे। इसी तरीके से पसंद हो उसी तरह से खाएं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इनको हाथ से भी काट सकते हैं।